साल 2023 रेलवे स्टॉक्स के लिए अच्छा खासा साबित हुआ। इन स्टॉक्स में गजब की तेजी देखी गई। कारण की बात करें तो 2023 के दौरान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, G20 शिखर सम्मेलन में विकास और बिजनेस में सुधार जैसे प्रमुख कारकों के कारण रेलवे शेयर में शानदार तेजी बनी। इसके अलावा इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट आवंटन, वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन, रेलवे कोचों और सेवाओं के सुधार और बढ़ोतरी के विचार ने रेलवे स्टॉक्स को बूस्ट किया। इस रिपोर्ट में हम कुछ रेलवे स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है 2023 में। तो IRCTC, RVNL, टीटागढ़ विगॉन, टेक्स मैकोटेल, IRFC, जुपिटर विगॉन, BEML, कंटेनर कॉर्प और इरकॉन जैसे शेयरों में 2023 में अच्छी तेजी देखी गई है। अब आते हैं सवाल पर कि क्या 2024 में भी रेलवे स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि रेलवे बजट को बढ़ाया गया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेलवे बजट में बढ़ोतरी के कारण रेलवे स्टॉक्स 2024 में भी तेजी दिखा सकते हैं। कई ऐसे ट्रिगर्स मौजूद हैं जो रेलवे स्टॉक्स के रेवेन्यू का विजिबिलिटी दे रहे हैं, जिसमें स्टेशन रिवैम्पिंग, वंदे भारत जैसे नए ट्रेनों की शुरुआत, नए रेलवे ट्रैक बिछाना, ट्रेन टकराव से बचाव के लिए नए सिस्टम्स शामिल हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ, उससे रेलवे कंपनियों के लिए दरवाजे खुलेंगे। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हैं जिसने निवेशकों की अच्छी खासी कमाई कराई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं IRCTC की, जिसने 37.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। IRFC में 204% से ज्यादा का रिटर्न मिला है निवेशकों को। RVNL में 168% से ज्यादा का रिटर्न। जुपिटर वैगॉन में आपको 240% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। टीटागढ़ वैगॉन में 124% से ज्यादा का रिटर्न। टेक्स मैको रेल में 208% से ज्यादा का रिटर्न। BEML में लगभग 78% से ज्यादा का रिटर्न और कंटेनर कॉर्प में 17% तक का रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को। और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 196.48% का रिटर्न। अब इन कंपनीज की बात करें तो IRCTC कंपनी रेलवे के अलावा कारोबार के क्षेत्र में भी विस्तार करने की प्लानिंग कर रही है। IRCTC खान पान बिजनेस में अपनी पहचान को और आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है और इसके ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक काम करने की प्लानिंग है। इसने पहले ही सीमा सुरक्षा बल, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी जैसे डिफेंस सेक्टर के साथ अलग अलग सरकारों और ऑटोनोमस बॉडीज के साथ MOU साइन किए हैं। जल्द ही कंपनी देश भर में 15 और केटरिंग यूनिट्स को चालू करने की प्लानिंग कर रही है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने प्रति शेयर 8 रुपए तक का डिविडेंड दिया है और फिलहाल इसकी डिविडेंड यील्ड 0.91% है। इरकॉन पे आते हैं तो इरकॉन कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स, हाईवेज कंस्ट्रक्शंस, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हवाई अड्डे के रनवे, हवाई अड्डे के निर्माण, लोकमोटिव के पट्टे और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे चीज़ों का निर्माण करती है। BEML की बात करें तो ये 3 कार्य क्षेत्रों में काम करता है, डिफेंस और एयरोस्पेस, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। पोलार गोल्ड फील्ड्स, इसके अलावा BEML के पास बिक्री और सेवाओं का एक नेशन वाइड नेटवर्क भी है। तो ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।